अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बीटो न्यूज़ वन। हाज़िर आपका मेज़बान मोहम्मद अदनान। नाज़रीन, अभी बड़ी खबर शामिल करते हैं। पीटीआई के साबिक वफाकी वज़ीर सरदार अली अमीन खान गंडापुर को डीआई खान से गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए सुनते हैं सरदार अली अमीन गंडापुर से। एक मिनट अली भाई, आज कौन सी एफआईआर में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन सी इसमें इसमें आपकी बेल ना हुई? मुझे खुद पता नहीं है, बस कहते हैं एफआईआर है और गिरफ्तार करना जरूरी है और बस यही आपके सामने ही चल रहा है। ठीक है, पीछे कौन लोग हैं सर? पीछे तो आपको पता हुआ कौन लोग हैं, मुझे तो यही कहते हैं ऊपर से है, ऊपर से तो अल्लाह है, ऊपर सबसे। अब अल्लाह तो हुक्म दे नहीं रहा तो उसके नीचे अल्लाह से बड़ा आदमी को नजर आ रहा है तो कर रहे होंगे ये जवाब, तो गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक, छापे मार रहे हैं मेरे ऊपर गैर कानूनी। जो आपकी गिरफ्तारी थोड़ा, तो ये क्या वो अदम एतमाद है कि जो आप घर पे नहीं करना चाह रहे थे या किसी और जगह पे किसी और मकाम पे और इस जहाँ पे कानून है, तो इसकी बुनियाद यही है कि कहीं आपको खतरात भी हैं पुलिस से हवाले होने से और बाकी चीजों से? मुझे बिल्कुल एतमाद नहीं है इनके ऊपर और यही एतमाद ना होने की वजह ही है ये जो एफ आई आर है जो आप इस तरह करें आपके ऊपर लोग। और मतलब मैं परसों बताया एक अदालत में कि जी ये केस है, आज मेरे भी ये ली मैं निकला नहीं हूँ तो मेरे पे एक और थाने में एफ आई आर कर दी आज की डेट पे, जबकि मैं तो या सेशन कोर्ट में था या अभी उसके बाद सीधा आपके साथ इधर ही आया हूँ हाई कोर्ट में। एतमाद तो बिल्कुल है ही नहीं ना। दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि मैंने अब जो मैंने गिरफ्तारी इसलिए दी है कि मैं तो आया था अपने केस के लिए, जारी बात है मैं अदालतों से तो नहीं छुप सकता, अदालतें ही एक सारा है जो हमें फंडामेंटल राइट है हमारा एक इंसाफ लेने का, मैं छुप तो नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे आया हुआ था, बाहर इन्होंने हर चीज बंद कर दी, अब निकलने के लिए फायरिंग करके भाई गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करना है, तो वहाँ पे या बार रूम में घुसने के लिए आ रहे थे, हाईकोर्ट के अंदर घुसने के लिए आ रहे थे, तो ऐसे हालात मैंने ये समझा कि बजाय इसे कि अब ये करें और मेरे इलाके में मेरे जिले में मेरा एक हाईकोर्ट मेरे मुल्क का हाईकोर्ट मेरे मुल्क का एक बार रूम उसके अंदर जाके इस तरह का एक एक्शन हो तो उससे बेहतर है कि ठीक है जो मैंने फेस वैसे भी इधर फेस कर नहीं आया हुआ था तो ठीक है मैं फेस कर लूंगा उस तरह ना इस तरह कर लूंगा। तो क्या कल आपको पेश दोबारा करेंगे या आप आपके हवाले से? ये तो उनको पता है कि वो क्या करेंगे मेरे साथ, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, मैं जिस मकसद के लिए इमरान खान के साथ हूँ वो मकसद है पाकिस्तान की जंग, जिसकी आजादी की जंग, हमारी नस्लों की जंग, मैं उस मकसद के लिए इमरान खान के साथ हूँ पार्टी के साथ हूँ। बाकी ये जो करेंगे और ये जो कर रहे हैं ये इनकी तरीका वारदात एक है, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कानून साजी की जाएगी। पहले आपने ये कहा था कि मैं जज के सामने ही अपने आप को पेश करूंगा, वो चाहे मुझे फिर अदालत के, अब वो नहीं छोड़ रहे।